हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का ब्रेन टीजर्स, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए हमारा वैल्यू दिया गया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 8, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। ओके, देखिए हमको आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है। हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो यहां पे हम लोग यही आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका क्या हो लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 8, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, तो इसको एक तरफ लिख लेंगे, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 2। ओके, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें, 64 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 62, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इफ ए माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ओके, देखिए यहां पे वैल्यू दिया है ए माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5, हमको वैल्यू फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का। ओके, देखिए इसमें आइडेंटिटी हम लोग दूसरी यूज करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज होगी इसमें। इसका क्या होता है आइडेंटिटी, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए माइनस 1 बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ओके 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर। ओके, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां पे देखिए वैल्यू दिया हुआ है ए माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5, तो यहां पे 5 लिख देंगे, ये 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। ओके, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, इसका निकालना है हमको। ठीक है, अब ये 5 5 का क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसको इक्वल एक साथ लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2। ओके, हमको क्या चाहिए वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इधर जाएगा जब क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 2, इक्वल के जब साइड चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये हो गया हमारा 27, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1 बाई ए। ओके, हमारा वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है ए प्लस 1 बाई ए को। ओके, तो आइडेंटिटी हम लोग देखिए सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको लिख सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा,
ए प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या हो जाएगा, टू इंटू ए इंटू वन बाई ए, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर। ओके, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ए प्लस वन बाई ए, तो लिखेंगे इसको ए प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 23 है, यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको लिखेंगे एक साथ पहले, ए प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 23, तो यहां पे वैल्यू इसकी रख देंगे, ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 प्लस टू। ओके, अब आगे लिखेंगे ए प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, ये 25 हो गया। अब देखिए स्क्वायर अगर हम इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे तो ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा। ओके, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, लिख सकते हैं इसको ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट 25। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 51, हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स माइनस वन बाई एक्स का। ओके, तो आइडेंटिटी देखिए हम लोग सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, पढ़ चुके हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये हमारा एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वन बाई एक्स का स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो ये एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पे केवल टू बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू इंटू वन टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51 है, तो यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक साथ लिख दिया इसको, आगे लिखेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे 51 दिया गया है, 51 माइनस टू। ओके, अब एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51 माइनस टू 49। ओके, अब स्क्वायर देखिए हमारा राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 49। ओके, 49 हो गया, इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए अब अंडर रूट 49 का वैल्यू क्या होता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक इसकी इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके,